पाताल में रहते रहते तुम्हारी बुद्धि कुंठित हो गई है गजासुर। तुम नहीं जानते कामदेव पर विजय प्राप्त की है हमारे आराध्य भगवान शिव शंकर ने। भगवान शिव? हाँ, तुम भगवान शिव के हाथों मारे जा सकते हो, मारे जा सकते हो, मारे जा सकते हो। भगवान शिव तो हमारे आराध्य हैं, वे क्या मुझे एक असुर को मारेंगे? यह असंभव है। हमने भी पहले यही सोचा था, परंतु हमारे शत्रु देवता छल प्रपंच और कूटनीति का प्रयोग करके भगवान शिव को तुम्हें मारने के लिए बाध्य कर सकते हैं। उन्होंने शंकर को प्रसन्न करने का अनुष्ठान भी प्रारंभ कर दिया है। कैसा अनुष्ठान दैत्य गुरु, मैं समझा नहीं। काशी के शिव भक्त यज्ञकर्ता ब्राह्मणों ने भगवान शिव को प्रसन्न करने हेतु तुम्हारा वध कराने के उद्देश्य से काशी में एक विशेष यज्ञ प्रारंभ किया है। तुम तुरंत वहां जाकर उनके यज्ञ में बाधा डालो, किसी भी प्रकार ये यज्ञ पूर्ण न होने दो। मैं अभी जाकर उन ब्राह्मणों को अपने विशाल चरणों तले कुचल देता हूँ। न रहेगा बांस, न बजेगी बांसुरी। नहीं नहीं गजासुर, ऐसा नर्तन करना। यदि तुमने शिव भक्तों पर अत्याचार किया तो भगवान शिव कोपायमान होंगे और फिर उनके हाथों तुम्हारा संहार निश्चित है। इसलिए इसलिए क्या करूं, उन पर अत्याचार भी न करूं और यज्ञ भी पूरा होने दूं। ये दोनों बातें कैसे संभव है? गजासुर, सबसे पहले तुम अपना आकार छोटा करो। अब वरदान प्राप्त करके तुम अतुल बलशाली बन गए हो। तुम्हें विशालकाय बने रहने की कोई आवश्यकता नहीं। अपने को सामान्य करके हमारे पास आओ, हम तुम्हें बताएंगे कि तुम्हें क्या करना होगा। गुरुदेव, सबसे पहले स्वर्ग पर अधिकार करके देवताओं से मुझे अपने पिता की मृत्यु का प्रतिशोध लेना है। पहले ये कार्य कर लूं, फिर काशी के ब्राह्मणों का यज्ञ चुटकियों में ध्वस्त कर दूंगा। गजासुर, हमने तुम्हें पहले भी बताया था, अब फिर बता रहे हैं कि तुम्हारे पिता का वध देवी दुर्गा ने किया था और उस षड्यंत्र में सभी देवता सम्मिलित थे। उन्होंने ये आवाहन करके त्रिदेवी की शक्ति से देवी दुर्गा को प्रकट किया था। कौन थी वो त्रिदेवियां? देवी लक्ष्मी, सरस्वती और शिव संगनी माता पार्वती। परंतु तुम उनसे प्रतिशोध नहीं ले सकते हो। तुम्हारी वरदानी शक्ति उन तीनों को कोई हानि नहीं पहुंचा सकती, क्योंकि वे अपने अपने लोक में सुरक्षित हैं। तुम्हें सबसे पहले काशी में यज्ञकर्ता ब्राह्मणों का यज्ञ रोकना है, अन्यथा तुम भगवान शिव के हाथों वध का पात्र बन सकते हो। नहीं दैत्य गुरु, सबसे पहले मेरे पिता के वधकर्ताओं से मैं प्रतिशोध लूंगा, उसके बिना मुझे शांति नहीं मिलेगी। गजासुर, मेरी बात सुनो। गजासुर, उन त्रिदेवियों की शक्ति अपार है, वहां न जाना। गजासुर, वहां न जाना। आप यहाँ हैं? अर्थात देवी सरस्वती भी आपके साथ ही रहती है? गजासुर, ब्रह्मदेव जागे। ब्रह्मदेव, आपका वरदानी गजासुर यहाँ आ पहुंचा है। गजासुर, तुम यहाँ? चले जाओ यहाँ से। ब्रह्मदेव, आपकी दी हुई वरदानी शक्तियों का उपयोग मैं यही करूंगा। मेरे पिता का वध करने वाली दुर्गा इन्हीं सरस्वती की ज्योति से प्रकट हुई थी,
ब्रह्मदेव, इस दुष्ट को यही समाप्त कर दे। हम इसे समाप्त नहीं कर सकते देवी। अपने दिए हुए वरदान के कारण हम विवश हैं। तो फिर मैं देवी दुर्गा की ज्योति शक्ति केंद्रित करके मैं ही इसे समाप्त कर दूंगा। मैं अपने पिता की मृत्यु का प्रतिशोध लेने के लिए तुम्हें अभी यही समाप्त कर दूंगा। बनी थी। तुम देवी लक्ष्मी से प्रतिशोध लोगे? तुम नारायण नारायण, देवी लक्ष्मी तो माता सरस्वती से भी अधिक उग्र हैं। वे उग्र हैं तो मैं वरदानी हूँ, मैं महाबलशाली हूँ। पहले ये बताओ, देवी लक्ष्मी मुझे कहाँ मिलेगी? नारायण नारायण, माता लक्ष्मी जहाँ निवास करती है वहां तो मुझ जैसा कोई बिरला ही पहुंच सकता है। पता नहीं तुम ब्रह्मलोक कैसे पहुंच गए। नारायण नारायण, जिन ब्रह्मा ने मुझे वरदान दिया, क्या उन ब्रह्मा के पास मैं नहीं पहुंच पाता? वे मेरे पास पहुंच सकते हैं तो क्या मैं उनके पास नहीं पहुंच सकता? धन्य है परमपिता ब्रह्मा जी, आप और आपकी ये लीला धन्य है। अब जहाँ कहीं भी होगी लक्ष्मी, मैं उसे ढूंढ निकालूंगा, मैं उससे अपना प्रतिशोध लूंगा। अवश्य लेना। नारायण नारायण, ये माता लक्ष्मी, ये गजासुर आपसे प्रतिशोध लेने की इच्छा प्रकट कर रहा है, कृपया आप इसे दर्शन दे ही दे। लक्ष्मी, माता लक्ष्मी, इस वरदानी गजासुर के हृदय में आपके प्रति जो प्रतिशोध की भावना और ज्वाला भड़क रही है, कृपया आप इसे शांत कर दें। माता शांत कर दें। Oh!
नारायण नारायण। माता, आपने अपने इस कमलास्त्र से इस दुष्ट के टुकड़े तो कर दिए, पर तू ये पहले जैसा फिर हो गया। ये ब्रह्मा जी के वरदान का परिणाम है नारद। पता नहीं ब्रह्मा जी ऐसे दुष्टों को वरदान क्यों देते हैं। धन्य है माता, धन्य है। नारायण नारायण। कहीं ये दुष्ट माता पार्वती से प्रताड़ित होने के लिए कैलाश तो नहीं जाएगा? शक्ति स्वरूपिणी पार्वती इसे जीवित नहीं छोड़ेंगी। पागंबर पहने व्यक्ति को देखकर मेरे मन में भक्ति भाव क्यों उत्पन्न हो रहा है? अच्छा, तो यही है शेर। किंतु मेरी पितृहन दुर्गा को प्रकट करने वाली पार्वती कहाँ है? साक्षात शक्ति स्वरूपा देवी पार्वती। तुम कब से हमारी समाधि भंग होने की प्रतीक्षा में यहाँ खड़ी हो? ये प्रतीक्षा तो बहुत छोटी है स्वामी। आपकी समीपता और आपको पति रूप में प्राप्त करने के लिए मैंने वर्षों इसी तरह खड़े रहकर आपकी तपस्या की है। देवी पार्वती, तुम स्वयं शक्ति स्वरूपा। शक्ति के बिना शिव की कल्पना भी नहीं की जा सकती। ऐसा कहकर आपने अपने चरणों की दासी का मान बढ़ाया है स्वामी। अन्यथा शिव बिना शक्ति का क्या मूल्य? सत्य तो ये है स्वामी कि शक्ति को शक्ति का ज्ञान शिव के सानिध्य के पश्चात ही प्राप्त हुआ है। इसका अर्थ ये है देवी, शिव के बिना शिवा और शिवा के बिना शिव अपूर्ण है। और यही नियम सभी के लिए समान है।